नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। मेरा नाम नंदनी है। हमारा थीम नंबर है 4, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। हमारा टॉपिक है जर्नी ऑफ एटम। एटम की बात लगभग 2500 साल पहले ही शुरू हो गई थी। ब्रह्मांड का हर पदार्थ न तोड़ा जा सकने वाले बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना है। यह बात ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस ने 2500 साल पहले इमेजिन करी। डेमोक्रेटस ने इन कणों को नाम दिया एटमोस, जिसका अर्थ है न तोड़े जा सकने वाला कण। लेकिन उनको परमाणु के आकार का अंदाजा न हुआ। उन्होंने कहा कि परमाणु भिन्न आकार के होते हैं, जैसे कोई गोलाकार, कोई चकोर, कोई हुक वाले आदि। साल 1803, जोहन डाल्टन को फादर ऑफ एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। उन्होंने डेमोक्रेटस के विचारों को साइंटिफिक आधार दिया। उन्होंने कहा कि हर एक तत्व एटम से बना होता है और एटम के जुड़ने से ही नए नए यौगिकों का निर्माण होता है। यह उनके द्वारा लिखित पुस्तक का एक पेज है। इस पुस्तक में दर्शाया गया है कि कैसे एटम के जुड़ने से नए नए यौगिकों का निर्माण होता है। साल 1897, जे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उन्होंने एटम का प्लम पुडिंग मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि परमाणु की संरचना एक तरबूज की तरह है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज तरबूज के लाल भाग की तरह है और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीच की तरह कहीं कहीं धंसे हुए हैं। साल 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु का एक नया मॉडल पेश किया। उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का पॉजिटिव चार्ज सेंटर में केंद्रित होता है, जबकि जे जे थॉम्सन ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला होता है। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान न्यूक्लियस में केंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। परमाणु का ज्यादातर भाग खाली होता है। साल 1913 में नील्स बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल को और इम्प्रूव किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जब ये निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। उन्होंने इन कक्षाओं को KLN का नाम दिया। नील्स बोहर 1932 में जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर है, परंतु इसका कोई चार्ज नहीं था। नील्स बोहर के बाद भी परमाणु की संरचना पर खोज चलती रही। इन वैज्ञानिकों ने परमाणु का एक क्वांटम मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड कक्ष में चक्कर नहीं लगाते, बल्कि वेव्स में मूव करते हैं और न्यूक्लियस के चारों ओर क्लाउड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव नेचर दोनों दर्शाते हैं। थैंक यू।